बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। उसे बसरा के कब्रस्तान में दफन किया गया। तदफीन के बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए और मैं करीबी जंगल की तरफ चला गया। वहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत में गौरव फिक्र करता रहा। एक जगह बहुत घने दरख्त थे। मैंने जब बगौर देखा तो उन दरख्तों के पीछे एक गार नज़र आया। मैंने अपने दिल में कहा, शायद ये गार डाकुओं और लुटेरों की आमा जगह है। जब मैं उस गार के करीब गया तो देखा कि वहाँ नूरानी चेहरे वाला एक हसीनो जमील नौजवान उनका जुब्बा पहने बड़े खुशू खजू से नमाज पढ़ रहा था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उस नौजवान ने रुकू और सजूद के बाद सलाम फेरा और मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने उससे पूछा, ए मेरे भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने कहा, मैं मुल्क शाम का रिहायशी हूँ। मैंने पूछा, आप शाम से बसरा किस मकसद के लिए आए हैं? उसने जवाब दिया, मैंने सुना था कि बसरा और इसके करीबी इलाकों में आबदीन और जाहिदीन और बाअमल उल्मा कराम बहुत ज़्यादा हैं। चुनाचे मैं शाम से बसरा चला आया ताकि इन औलिया कराम से इक्तसाब फैज कर सकूं और इनसे इल्म और अमल सीखो। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम किस तरह होता है? यहाँ जंगल में तुम्हें खाना कैसे मुयसर आता है? उसने जवाब दिया, जब भूख लगती है तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ और जब प्यास महसूस होती है तो जंगल में मौजूद तालाबों से पानी पी लेता हूँ। मैंने कहा, ए नौजवान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें उम्दा आटे की दो रोटियाँ पेश कर दिया करूँ ताकि तुम उन्हें खाकर इबादत पर कुव्वत हासिल कर सको। वो नौजवान कहने लगा, ऐसी बातें छोड़ो, मैंने कई सालों से खाना नहीं खाया, पत्ते खाकर ही गुजारा कर रहा हूँ। मैंने कहा, अगर तुम हमारे खाने को कबूल कर लोगे तो हमारी खुशकिस्मती होगी। तुम हमारी तरफ से कुछ न कुछ कबूल कर लो ताकि हमें बरकतें हासिल हों। वो नौजवान बोला, अच्छा, अगर तुम बाजिद हो तो जौ की बगैर चने आटे की दो रोटियां ले आओ और सालन की जगह नमक लाना। आप फरमाते हैं, फिर मैं उस नौजवान के पास से चला आया और दो रोटियाँ पकवाई, उन पर नमक रखा और वापस उस जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने देखा कि एक खून खुआर शेर गार के दाने पर बैठा हुआ है। मैंने दिल में कहा, ऐसा ना हो कि इस खून खुआर दरिंदे ने उस नौजवान को मार डाला हो। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं एक ऊंची जगह पर चढ़ा जहाँ से गार का अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। मुझे ये देख कर बड़ी खुशी हुई कि वो नौजवान सही और सालिम है और अपने रब की बारगाह में सरबसजूद है। मैंने बुलंद आवाज़ से उसे पुकारा, ए मेरे भाई, तुझे क्या हो गया है कि तू अपने आसपास के हालात से बेखबर है? शायद इबादत इलाही में मशगूलियत की वजह से तुझे बाहर के हालात की खबर नहीं। मेरी ये आवाज़ सुनकर उस नौजवान ने नमाज में तख़फीफ की और सलाम फेरने के बाद कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तुमने ऐसी क्या चीज़ देख ली है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो रहे हो? तो मैंने कहा, वो देखो, गार के धाने पर एक खून खुआर शेर घात लगाए बैठा है और ऐसा लगता है कि वो अभी हमला कर देगा। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, ए खुदा के बंदे, अगर तू उस जात से डरता जिसने इस शेर को पैदा किया है तो ये तेरे लिए बहुत बेहतर था। फिर उस नौजवान ने शेर की तरफ तवज्जो की और कहा, ए दरिंदे, बेशक तो अल्लाह के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अगर तुझे बारगाह खुदावंदी से हुक्म मिला है कि तू मुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो फिर मैं तुझे रोकने की कुदरत नहीं रखता, और अगर तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म नहीं मिला तो फिर मुझे तेरा कोई खौफ नहीं। फिर तेरी बेहतरी इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। तू ख्वामखा मेरी और मेरे भाई की मुलाकात में हायल हो रहा है। अभी उस नेक खसलत नौजवान ने अपनी बात मुकम्मल बिना की थी कि वो शेर धाड़ने लगा और दुम हिलाता हुआ वहाँ से इस तरह भागा जैसे उसे अपना कोई शिकार नज़र आ गया हो। जब शेर चला गया तो मैं उस नौजवान के पास आया
और ये कहते हुए दोनों रोटियां उसके सामने रख दी कि मेरे दोस्त, जो चीज़ तूने तलब की थी वो हाजिर है। उसने रोटियां ली और उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। वो रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद हो गईं। फिर उसने रोटियां नीचे रख दी और आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ए मेरे पाक परवरदिगार, मैं तुझे तेरे अर्श अजीम का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ कि अगर तेरी बारगाह में मेरा कुछ मर्तबा मुकाम है और मैं तेरी बारगाह में मर्दूद नहीं बल्कि मकबूल हूँ, तो ए मेरे अल्लाह, मुझे अपने क़ुरब ख़ास में बुला ले और मेरी रूह कब्ज़ फरमा ले। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, अभी उस नौजवान ने यह दुआ मुकम्मल ही की थी कि फ़ौरन उसकी रूह परवाज कर गई, वापस अपने इलाके में आया और चंद मुत्तकी और परहेजगार लोगों को जमा किया ताकि हम उस नौजवान की तजहीस व तकफीन कर सकें। मैं अपने उन साथियों को लेकर गार की तरफ चल दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि गार में तो कोई भी मौजूद नहीं। जिस खुश नसीब नौजवान की लाश को मैं अभी अभी यहाँ छोड़ कर गया था, अब वहाँ उसका नामो निशान भी न था। मैं बहुत हैरान और परेशान था कि आखिर उसकी लाश कहाँ गायब हो गई। अचानक मुझे एक गैबी आवाज़ सुनाई दी। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अबू सईद, अपने रुफ़ाक़ा से कहो कि वो वापस चले जाएं। अब उस नौजवान की लाश कभी नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी लाश को यहाँ से उठा लिया गया है। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।